नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप शर्मा आपका हार्टेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप अपने फेसबुक अकाउंट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करके रखते हैं तो दोस्तों यदि आपके फेसबुक अकाउंट से कोई दूसरा बंदा छेड़छाड़ करता है तो आपका फेसबुक अकाउंट फेसबुक द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण दोस्तों यदि आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग इन होने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक ब्लॉक का एरर आ जाता है, जिसके कारण दोस्तों आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों यदि आपका फेसबुक अकाउंट भी फेसबुक द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है किसी कारण से और दोस्तों आप नहीं जानते हैं कि हम किस तरह से ब्लॉक हुए फेसबुक अकाउंट को फिर से रिकवर कर सकते हैं, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं यदि आपका फेसबुक अकाउंट फेसबुक द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में अधिक जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों यदि आपका फेसबुक अकाउंट फेसबुक द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है किसी कारण से, तो दोस्तों इस तरह का एरर आपके सामने दिखाई देता है जब आप अपने फेसबुक अकाउंट से फेसबुक में लॉगिन होने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यदि आपके फेसबुक अकाउंट पर भी इसी तरह का एरर आ रहा है, यानी दोस्तों आपका फेसबुक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है फेसबुक द्वारा, तो दोस्तों आपको क्या करना है इसे फिर से रिकवर करने के लिए, आपको दोस्तों सिंपली ये देखिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के पेज पर आप आ जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप एक और नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ होगा सबसे पहले गेट ए कोड ऑन योर फोन और दूसरा होगा आइडेंटिफाई नेम्स ऑफ फ्रेंड्स। यानी दोस्तों यदि आपने अपने फेसबुक अकाउंट से अपना नंबर ऐड किया हुआ है तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है और आपके नंबर पर एक कोड आएगा, जो कोड आपको यहां पर डालना है और कोड डालने के बाद आप यहां पर वेरीफाई हो जाएंगे। और दोस्तों यदि आपने नंबर यहां पर ऐड नहीं किया हुआ है तो दोस्तों आपको नीचे ये देखिए आइडेंटिफाई नेम्स ऑफ फ्रेंड्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको आपके कुछ फेसबुक फ्रेंड के फोटो दिखाए जाएंगे जिनका नाम आपको बताना है, यदि आप नाम उनका सही बता देते हैं तो दोस्तों इसके द्वारा आप वेरीफाई हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर दूसरे वाले ऑप्शन यानी आइडेंटिफाई नेम्स ऑफ फ्रेंड्स पर क्लिक करता हूं, क्योंकि दोस्तों पता नहीं जाने किस कारण से मेरा यहाँ पर कोड वाला वेरीफाई नहीं हुआ है। तो दोस्तों यदि आपका भी कोड वाला वेरीफाई नहीं होता है तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ फोटो दिखाए जाएंगे जिनका नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यदि आप नाम सही बता देते हैं तो दोस्तों आप वेरीफाई कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर वेरीफाई हो जाता हूं जल्दी जल्दी, आपको भी इसी तरह से यहां पर हो जाना है अपने फ्रेंड्स के नाम को पहचान कर। तो दोस्तों यहां पर आपको अपने 5 फ्रेंड के नाम पहचानने होंगे, यानी 5 फ्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। यदि आप 5 बंदों को सही आइडेंटिफाई कर देते हैं तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है, जिसमें आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ये देखिए, जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, जिसमें आपका जो है लॉगिन डिटेल लिखी हुई होंगी, यानी आपका नंबर या फिर आपकी जीमेल आईडी लिखी हुई होंगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां पर भी नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपना एक न्यू पासवर्ड बना लेना है। यहां पर दोस्तों आपको पुराना वाला पासवर्ड नहीं लिखना है, आपको यहां पर न्यू पासवर्ड लिखना है। जैसे मैं यहां पर एक न्यू पासवर्ड बना लेता हूं अपने फेसबुक अकाउंट का। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सेव चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह के पेज पर आप पहुंच जाएंगे। जैसे ही उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, तो दोस्तों यहां पर आपको प्रोसेसिंग चलने तक का इंतजार करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है
और यहाँ पर दोस्तों आपको आपका सबसे ऊपर करंट पासवर्ड यानी जो आपने अपना पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालना है, और उसके बाद यदि आप न्यू पासवर्ड डालना चाहते हैं तो आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे जिसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जिसमें आपको दोस्तों यहां पर आपकी जीमेल आईडी लिखी हुई दिखाई देगी। आपको अपनी जीमेल आईडी के सामने एक टिक करना है यानी इसे सेलेक्ट आपको कर लेना है। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको आपके जीमेल आईडी पर एक कोड मिलेगा, जो कोड आपको यहां पर डाल देना है। कोड डालने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। यदि आपने पेज बनाया हुआ होगा तो आपका पेज आएगा और नहीं बनाया हुआ होगा तो नहीं आएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। आपको स्किप पर क्लिक करना है। ये देखिए आपको स्किप का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको गो टू न्यूज़ फीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों आपका फेसबुक अकाउंट यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ब्लॉक्ड हुए फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों यदि आपको कोई क्वेश्चन मुझसे करना हो या फिर दोस्तों आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दोस्तों इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको वीडियो के डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।